अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फादर इमान। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा सेटअप जो सोलर का है, स्मॉल डीसी सोलर सेटअप, उसके बारे में बताऊंगा कि इस पे कितना खर्चा हो जाता है। इसमें हम एक पैनल इस्तेमाल करेंगे, डीसी एक फैन होगा और तीन इसमें बल्ब इस्तेमाल होते हैं, चार्ज कंट्रोलर 10 एम्पेयर का और बैटरी 70 AH की और वायर। इन सारी चीज़ों की मैं आपको प्राइस बताऊंगा कि अगर आप छोटा सा घर में सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सोलर पैनल पे। 150 वाट का जो सोलर पैनल है वो मार्केट में 6.5 से 7 हज़ार में सेल हो रहा है, तो हम इसको 7 हज़ार कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जो है वो जिनके घर में लाइट नहीं है या बिल्कुल एक छोटा सा सेटअप अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो बिजली की थोड़ी बहुत अगर बचत करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसकी हम आज देखते हैं कि कितना इस पर खर्चा आ जाता है। तो 150 वाट का जो पैनल है वो 7 हज़ार का है। जो डीसी फैन है उसमें ये जो डीसी फैन होता है ये छत के साथ लगता है, ये कम वाट में मिलता है, ये तकरीबन 30 वाट में ये होता है। तो इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में 3800 है। इस तरह का दूसरा इस तरीके का पेडिस्टल फैन भी इसमें लगा सकते हैं। पेडिस्टल फैन की भी यही प्राइस है, 3700 से 3800 तक भी मिल जाता है। इन दोनों में जो पेडिस्टल फैन होता है वो थोड़े ज्यादा वाट का होता है, लेकिन एक पैनल पे फिर भी ये इस्तेमाल हो जाता है पेडिस्टल फैन भी। अगर ये आप दूसरा फैन भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिस तरह का मैंने अभी दिखाया, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ 30 वाट का होता है। और तीन बल्ब हम इसके लिख लेते हैं। तीन बल्ब की जो प्राइस है वो 400 हम कर लेते हैं। जो डीसी बल्ब होते हैं, जो इस तरह के बल्ब डीसी भी आते हैं, ये डायरेक्ट सोलर पे चल सकते हैं, बैटरी पे भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो ये तीन बल्ब हमने 400 रुपये के लिखे हैं, चार्ज कंट्रोलर 10 एम्पेयर का। ये वाला इसमें चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल होगा, 10 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, एक पैनल के साथ 10 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगता है। तो इस पे आप USB लगा के मोबाइल जो डाटा केबल होती है वो लगा के चार्जर बना सकते हैं, इसको मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसकी जो 10 एम्पेयर की जो प्राइस है वो 700 रुपये कर लेते हैं। बैटरी हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो 70 AH की होनी चाहिए, 60 एम्पेयर की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 70 AH मैंने लिखी है 150 वाट के पैनल के साथ, ये एक फैन और लाइट के साथ ये 6 से 7 घंटे ये बैकअप दे सकती है 70 AH की बैटरी। मतलब ये है कि दिन के टाइम तो बैटरी इस्तेमाल नहीं होगी, सोलर पे ही चलेगा, साथ साथ बैटरी भी चार्ज होगी। तो रात के टाइम अगर बैटरी फुल हो तो ये 6 से 7 घंटे इस्तेमाल हो सकती है एक फैन पे और लाइट पे। तो इसकी जो प्राइस है जो 70 AH की बैटरी की है वो 6500 है। इसमें आप छोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बैकअप कम हो जाएगा, लेकिन ये आप छोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5-5.5 हज़ार भी इस पर खर्चा हो सकता है। जो इसकी वायरिंग वगैरह होगी, जो तार इस्तेमाल होगी सोलर पैनल से बैटरी तक और बैटरी से आगे वायरिंग के लिए जो तार इस्तेमाल होगी, वो हमने एस्टिमेटेड जो है वो 1000 इसका कर लेते हैं। तो ये टोटल जो प्राइस है ये 19400 बनती है, यानी कि एक पैनल और एक डीसी फैन, तीन बल्ब और चार्ज कंट्रोलर, बैटरी और वायर का ये टोटल जो खर्चा है ये 19400 हो सकता है। इस छोटे से सेटअप को आप लगा के बिजली की बचत भी कर सकते हैं और एज ए बैकअप के तौर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर आप छोटा सा सेटअप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपके बिल में बचत भी आएगी। तो दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।